नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण से जारी विवाद के बीच प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एशियाई खेलों की तैयारी शुरू कर दी है। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनकी पत्नी संगीता फोगाट मैट पर लौट आए हैं। उन्होंने सोनीपत स्थित SAI सेंटर में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। विनेश फोगाट ने 9 जून को अभ्यास के लिए सेंटर का दौरा किया था। विनेश की चचेरी बहन गीता फोगाट भी ट्रायल की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पहुंची है। गीता ने नवंबर 2021 में गोंडा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बाद मैटरनिटी लीव ली थी। अब वो कुश्ती में वापसी कर रही है। उनके साथ पहलवान पति पवन सरोहा भी है। चीन के हंगजू में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जाएगा। COVID-19 की वजह से खेल पिछले साल स्थगित कर दिए गए थे। साक्षी मलिक ने कहा कि नाबालिग पहलवान ने दबाव में आकर बयान बदले, उन्हें धमकी दी गई थी, इस वजह से दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। नाबालिग पहलवान के पिता ने साक्षी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मेरे परिवार को कोई धमकी नहीं मिली थी। साक्षी मलिक को अपना बयान स्पष्ट करना चाहिए। हमें जो करना चाहिए था हमने कर दिया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।